गुना विस्तार में आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। इटावा जनपद में आज समाजवादी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना प्रदर्शन इटावा जनपद के तहसील परिषद में किया गया, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव धरना प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, जहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को गिरते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लगातार लूट हत्या जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपराध पर रोक लगाने में नाकाम होती नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को गिरते हुए कहा कि सरकार ने अभी तक गरीबों के लिए नौकरी नहीं निकाली, इसकी वजह से आज भी गरीब जनता नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य राज्य में जा रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द से जल्द नौजवानों के लिए नौकरियां भी निकालनी चाहिए। वही उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्ट सरकार भी बताया। इसी की बात समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ सदर एसडीएम को ज्ञापन पत्र दिया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने वादों पर नहीं उतरी और उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, गरीबों के लिए कोई भी योजना नहीं ला रही है। इसी को लेकर सदर एसडीएम को ज्ञापन पत्र दिया गया। पेशी इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मैं कहा कि मैं इतने मुकदमों को सुनवाई नहीं कर सकता हूं, मैं इसको सुनवाई से अलग करता हूं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि सब जैसे तैसे फिर वापस चले जाने वाली नहीं, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, इसलिए क्योंकि अब गोपाल जी जो है, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले आप सबको नौजवानों को खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँ। नौजवान ही परिवर्तन लाएंगे और बलों का सहयोग करना, सम्मान करना हमेशा, उनसे रास्ता लीजिए, मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए और परिवर्तन करने का काम